किसी गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू का धान का खेत था। एक दिन रामू जब धानों की कटाई कर रहा था तो गांव का जमींदार वहां आ जाता है। रामू, तुम्हारे पिताजी मेरा कर्ज नहीं लौटा पाए, इसलिए अब तुम्हें यह खेत मुझे देना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास रोजी रोटी का और कोई साधन भी नहीं है। वह सब मुझे नहीं पता। कल से अगर तुम खेत में दिखाई दिए तो अपने आदमियों से कहकर तुम्हारी टांगे तुड़वा दूंगा। रामू शाम को उदास होकर अपने घर लौटता है। क्या हुआ, इतने उदास क्यों दिख रहे हो? जमींदार ने हमसे हमारा खेत छीन लिया। आप परेशान ना हो, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। आप चाकू चूरी तेज करने का काम शुरू कर दीजिए। मेरे पिताजी भी तो वही काम किया करते थे। उनकी चाकू तेज करने वाली साइकिल भी मेरे घर पर पड़ी हुई है। तुम वही साइकिल उठा लाओ और शुरू हो जाओ। रामू अपने मायके जाकर अपने स्वर्गीय ससुर जी की साइकिल उठा लाता है और चाकू चूरी तेज करने का काम शुरू कर देता है। चाकू चूरी तेज करवा लो, चाकू में धार लगवा लो। भैया जरा हमारा चाकू ठीक कर देना। भैया जरा हमारे हसिये की धार तेज कर देना। रामू गांव में एकमात्र चाकू चूरी तेज करने वाला था, इसलिए रामू की अच्छी कमाई होती है। एक दिन रामू अपनी पत्नी के लिए सोने का हार लेकर पहुंचता है। आपको इतने पैसे हार बनवाने में खराब नहीं करने चाहिए थे। इसे वापस कराओ और उन पैसों से जमींदार के पास जाकर हमारा खेत छुड़वा लाओ। लेकिन मैं चाकू चूरी तेज करने का काम करता हूँ, खेती बाड़ी कौन संभालेगा? मैं संभालूंगी। देखो वह खेत तुम्हारे पूर्वजों की अंतिम निशानी है, हमें उसे जरूर छुड़ा लेना चाहिए। रामू हार वापस करके सुनार से पैसे ले लेता है और पैसे लेकर जमींदार के घर पहुंचता है। जमींदार साहब, यह लीजिए खेत के पैसे, अब वह खेत मेरा है। जमींदार रामू से पैसे ले लेता है। रामू जब चला जाता है तो जमींदार अपने एक आदमी से पूछता है, अरे यह रामू के पास इतने पैसे कहाँ से आए? उस्ताद, दिन रात चाकू चूरी तेज करके खूब पैसे बना रहा है। अगर आपने इसका कोई इंतजाम नहीं किया तो यह आपसे भी अमीर हो जाएगा। जहाँ भी मिले इसकी टांगे तोड़ देना। एक रोज जब रामू अपने खेत पर फसल की रखवाली करने के लिए सो रहा था तो जमींदार के आदमी आते हैं और उसकी एक टांग तोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन रामू की पत्नी खेत पर पहुँचती है तो रामू को बेहोश पाती है। वह रामू को हॉस्पिटल लेकर जाती है, तब रामू को होश आता है। यह सब आपके साथ किसने किया? कुछ नकाबपोश बदमाश आए थे, उन्हीं ने मेरा यह हाल किया है। पत्नी बाजार में दो वैसाखियां खरीद लाती है। रामू वैसाखियां के सहारे चलकर ही घर पहुंचता है। यह क्या हो गया मेरे साथ, अब तो मैं चाकू चूरी तेज भी नहीं कर पाऊंगा। ईश्वर पर भरोसा रखिए, उसने जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। एक दिन रामू जब अपनी वैसाखियों के सहारे खड़ा था तो वह मजाक में अपनी पत्नी से कहता है, काश वैसाखियां उड़ पाती। रामू इतना ही कहता है लेकिन अचानक रामू वैसाखियों के सहारे हवा में उड़ने लगता है। अरे यह क्या हो रहा है? लगता है यह वैसाखियां जादुई है। वैसाखियों मुझे नीचे उतारो। तभी रामू नीचे आ जाता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, गांव के लोगों को नदी पार करने में बहुत परेशानी होती है। अगर मैं गांव के लोगों को नदी पार करवाऊं और बदले में 100 रुपये लूं तो कैसा होगा? अच्छा आइडिया है। अगले दिन से रामू नदी के पास जाकर एक पोस्टर लेकर खड़ा हो जाता है। पोस्टर पर लिखा होता है, नदी पार करे मात्र 100 रुपये में। रामू भैया मुझे ना नदी पार करा दो, ये लो 100 रुपये। मेरी टांग पकड़ लो। आदमी रामू की टांग पकड़ लेता है। रामू उसे उड़ाकर नदी पार ले जाता है। रामू रोजाना दर्जनों लोगों को नदी पार कराता।
रामू की खूब कमाई होती है। कुछ सालों में रामू गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। जब यह बात जमींदार को पता लगती है तो वह अपने आदमियों से कहता है, जाओ और इस बार वह जिंदा नहीं बचना चाहिए। जमींदार के आदमी रामू को मारने पहुंचते हैं। फिर से मुझे मारने आए हो? आ जाओ, इस बार मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। आदमी रामू के ऊपर झपट पड़ते हैं। रामू वैसाखिया से ऊपर उठ जाता है तो आदमी रामू की टांग पकड़ लेते हैं। वैसाखिया, तेजी से समुद्र की ओर ले चलो। वैसाखिया रामू को समुद्र के ऊपर ले जाते हैं। चारों आदमी रामू का पैर पकड़ कर लटके होते हैं। रामू जोर से अपना पैर हिलाता है, चारों आदमी समुद्र में गिरते हैं और डूब कर मर जाते हैं।